जी इस पर कर देखिए कटिंग हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत कीजिए वापस एक नए वीडियो में। सो मैं आ चुका हूँ फिर से प्लांटेशन एक कंपनी में और ये मेरा एक वीडियो को मैं कर रहे हैं, ये यहीं पे काम कर रहे थे और पीछे में देखिए कटिंग का काम हो रहा है, मतलब फल कटिंग किया जा रहा है। तो आप सभी को अपने इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कैसे यहाँ पे फल कटिंग होता है और कितना रुपये इन लोगों को पेमेंट मिलता है और कितना घंटा ड्यूटी होता है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। जैसे कि आप सब देख भी सकते हैं, बहुत सारे आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आखिर में कैसे फल को कटिंग किया जाता है। हाँ दोस्तों, आप लोग कटिंग के बारे में पूछ रहे थे हमसे कि एक डिटेल्स वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग पता चल जाएगी पोंगल के कंपनी में कैसे फल को कटिंग किया जाता है, कितना घंटा ड्यूटी होता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं एक एक करके कैसे यहाँ पे कटिंग हो रहा है और कितना आदमी कटिंग करते हैं फल, कितना उन लोगों का पैसा मिलता है, कैसे कैसे काम होता है, सब कुछ आप लोग को एक वीडियो से मेरा आइडिया मिलेगा ताकि आप लोग अगर प्लांटेशन कंपनी में आते हो मलेशिया के अंदर में तो आप लोग को ऐसे ही काम करने को मिलेगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सामने में देखिए मैं अंदर में जा रहा हूँ थोड़ा, देखिए सामने में फल कटिंग का काम हो रहा है। ठीक है, देखिए पेड़ का कटिंग किया जा रहा है और सबसे पहले तो देखिए कटिंग हुआ है, देखिए इधर में फल दिख रहा है कितना बड़ा फल है, साइज ये साइज दिख सकते हैं। बहुत सारा लोग बोलते हैं वीडियो पे कि कितना वेट होता है, एक मेरा भाई है इधर में काम कर रहे हैं, देखिए उठा के दिखाएंगे कितना बड़ा वेट है, कितना केजी का वजन है। देखिए देखिए उसी तरह से लोडिंग किया जाता है। ठीक है, देखिए कंधा पे अपना लोडिंग कर लिए, इसको रख दीजिए नीचे में, कितना वजन होगा इसका? 25 केजी होगा। 25 केजी, देखते हैं कि वेट कितना होता है। देखिए 25 केजी इसका वजन हो गया और देखिए सामने में कटिंग हो रहा है, देखिए किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। देखिए देखिए कुछ इस तरह से, देखिए इनके हाथ में जो दिख रहा है कटिंग वाला जुगाड़, देखिए इससे ये लोग कटिंग करता है लोग, देखिए इनका आइडिया है, बहुत दिन से कटिंग के काम कर रहे हैं, इनके आइडिया देखिए कटिंग करने का। देखिए कुछ इस तरह, देखिए इनको डर भी नहीं लग रहा, नया नया आदमी कटिंग करेगा तो शरीर पर ही आ जाएगा फल, शरीर पर देखिए कितना बड़ा बड़ा फल, देखिए देखिए कितना बड़ा फल है। देखिए कटिंग कर दिए, फिर ऐसे देखिए कौन सा फल पका हुआ है, कौन सा फल नहीं पका हुआ है, जो जो फल पका रहेगा वो कटिंग करेगा। नहीं नहीं चला गया, ये जो प्लोपो है, ये जो पत्ता है पत्ता को साइड करेगा लोग। ये देखिए दो आदमी है और एक ये है, तीन आदमी है, ये बता रहे हैं, बहुत पुराना इधर का काम करने वाले हैं। तो देखिए पत्ता को किसी तरह से हटा रहे हैं और देखिए फल को हटाने वाले हैं, फल को साइड करने वाले, पत्ता को हटाने वाले हैं और ये जो दिख रहे हैं बस कटिंग करने के लिए है फल। ये फल कटिंग करके इनका काम है कि बस पेड़ का फल कटिंग कर देना है और एक जन का काम है फल को इकट्ठा करना और एक जन का काम है पत्ता को साइड करना। तो आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कितना इनको पेमेंट मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। देखिए कितना इनके एक आइडिया हो गया, देखिए कुछ हिस्सा से फल कटिंग करना पड़ेगा अगर आप लोग आते हो मलेशिया के अंदर में। देखिए कुछ हिस्सा से फल कटिंग हो रहा है, देखिए किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, देखिए। लेकिन ये जो है ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है, ये बहुत तेज फटिंग कटिंग कर देंगे फल, देखिए ये बता रहे हैं कैसे कटिंग करने के लिए। ये जो थोड़ा स्लो कटिंग कर रहे हैं लेकिन ये जो है हमको लग रहा है अनुभवी आदमी है, क्योंकि आप ही लोग बहुत ज़्यादा वीडियो में मेरे कमेंट कर रहे थे तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, तो इसलिए मैं आया हूँ प्लांटेशन कंपनी में आप लोग को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे से कुछ दूर में एक प्लांटेशन कंपनी है, उसी कंपनी में काम होता है ये सब पम्प मोबाइल वाला। तो आजकल बहुत सारे इंडिया से वर्कर लोग जो आएंगे प्लांटेशन कंपनी में ही आएंगे, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए। देखिए कटिंग करें किस प्रकार से, देखिए देखिए कुछ इधर से बात किया जा रहा है, देखिए देखिए कटिंग हो रहा है, देखिए किस प्रकार से देखिए कटिंग किया जाए, देखिए फल की देखिए किस प्रकार से कटिंग किया जा रहा है। आप लोग वीडियो में अगर बने रहेंगे लास्ट तक तो मैं दिखाऊंगा, इन लोगों से बात भी कराऊंगा कि इन लोगों को कितना पेमेंट मिलता है, कितना देर ड्यूटी करना पड़ता है, सब कुछ इन लोगों से बात भी मैं करूँगा, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को सही एक जानकारी मिल जाए वीडियो देखने के बाद मेरा। ये जो पेड़ दिख रहा है छोटा पेड़ है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, ये छोटा पेड़ है, इससे भी बड़ा बड़ा बहुत पेड़ होता है, जितना बड़ा पेड़ रहेगा उतना बड़ा फल निकलेगा, उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये जो पेड़ है देखिए इसका फल ये है, इसका वजन 25 केजी 30 केजी वजन होगा इस फल का, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से कटिंग होता है, चलिए इन लोगों से मैं मिलाता हूँ और बात कराता हूँ कितना इन लोगों को पेड़ मिलता है, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते थे कि यही दोनों आदमी फल कटिंग के काम कर रहे हैं, ये जो फल काट रहे थे और ये फल को हटा रहे थे, प्रोपोसी पे कर रहे थे, और एक आदमी और जो थे वो भी फल कटिंग का काम कर रहे थे, लेकिन वो आदमी थे मलाई थे, तो मलाई लोग बोलेंगे तो आप लोग को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों आदमी बांग्ला आदमी हैं, ये लोग बांग्ला में बात करेंगे, बांग्लादेश से रहने वाले हैं। सो इन लोगों से मैं पूछता हूँ कि इन लोगों का कितना देर ड्यूटी होता है, कितना पैसा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग बताइए आप लोग का ड्यूटी कितना देर होता है, काम करते हैं आप लोग कटिंग काम करने में, क्या ड्यूटी घंटा पर काम करना पड़ता है या फल पर काम करना पड़ता है? फल पर काम करेगा। फल पर कितना फल काट के आप लोग रूम जाता है? 300-400 काटेगा, रूम पे जाएगा। 300 कट के, 300 काटेंगे तो दोनों आदमी का पेमेंट हो जाता है ना, आप उसका रूम चल जाना है, कोई टाइम का उसमें कितना देर लगेगा आपको दो सौ फल काटने में? 11 बजे चला जाएगा। उसके बाद फिर शाम को फिर क्या कौन सा काम करते हैं आप लोग?
शाम को कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा एक टन में 50 रिंगित में मिलेगा। और एक टन में 50 रिंगित मिलेगा टन में, तो टन में काटेगा कितना? तो ये दो आदमी आप लोग मिलकर 3 घंटे में कितना टन काट देते हैं लोग? दो टन काटेगा। दो टन काट के आलू चल जाएगा तो 50-100 रिंगित का काम हो गया। दो आदमी 100 रिंगित काज होगा। तो मॉर्निंग में आपका काज हो गया, मतलब मॉर्निंग में आपका 50 रिंगित काज होगा। हाँ, और वो शाम में टन में 50 रिंगित का, मतलब एक दिन में 100 रिंगित 120 रिंगित काम हो जाता है। 120 रिंगित 100 रिंगित काज होगा। तो मतलब अच्छा खासा है यहाँ पे। और कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन से कटिंग कर रहे हैं आप लोग दोनों आदमी? 4 साल में काज करेगा। 4 साल में कटिंग कितने दिन से करे? 2 साल से आप कटिंग कर रहे हैं ये भाई? 3 साल में। आप 3 साल से कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अब पैसा वैसा टाइम से मिल जाता है पेमेंट में, जैसे कटिंग का 4 तारीख 5 तारीख में पेमेंट, 4 तारीख 5 तारीख में हो जाता है। रहने वहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता ना? रहने वहने का रूम वूम ये सब कैसा रहता है? कंपनी में देता है ना? कंपनी नहीं देगा, कंपनी निज में। निज में तो आप खाना निज में खाएगा ना? खाएगा, कंपनी रूम से देगा। खाली रूम कंपनी देगा, पानी नहीं कंपनी देगा। ये तो प्लांटेशन कंपनी सब जगह ऐसा होता है। और अच्छा, एक आप चीज़ बताइए आप दोनों आदमी कि जो मलेशिया में कोई अगर आते हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे या वेतन में कमाएंगे ज़्यादा? कटिंग कोई करेगा अगर बाई देवे आके तो कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा पैसा मिलता है या कटिंग में ज़्यादा पैसा मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा पैसा मिलता है या कौन काम करने में ज़्यादा पैसा मिलता है? सेम पैसा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो पता है बिकल में गाजी मिलेगा 1500 टका, बिकल में काज करेगा मिलेगा 1500 टका। हाँ, मतलब 3000 टका आराम से मिलेगा। 3000 टका आराम से, मतलब ओटी करने से फायदा कॉन्ट्रैक्ट काम करने में? कटिंग जैसे फॉल कटिंग करने में ओटी करने से अच्छा? ओटी तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट में सब समय मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट हॉल टाइम मिलेगा? हाँ, ओटी में मिलेगा नहीं मिलेगा? और कोई उसका फिक्स नहीं रहता है? दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाई लोग बांग्लादेश के हैं, लोग इधर कटिंग का काम करते हैं। लोग भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हो और प्लांटेशन कंपनी में अगर आप लोग कटिंग का काम करते हो तो अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग ऑल टाइम आप लोग काम मिलेगा। ओटी है, किसी दिन ओटी मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा ये दोनों भाई से कि कटिंग का काम कैसे होता है मलेशिया में। लोग बहुत दिन से लोग काम कर रहे हैं और अभी लोग के लिए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत दूर से आया था इस प्लांटेशन कंपनी में, क्योंकि मेरे रूट में ही पड़ता है। तो मैं सोचा क्यों नहीं कि वीडियो बना दिया जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।